आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति जागरूक है, ठीक है। तो बाल संसद में जिन बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, वो अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, है ना। और मीना मंच में स्पेशली ये गर्ल्स के लिए ही है, मीना एक लड़की का नाम है, है ना। और वो नेतृत्व करती है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, प्रेरणा देने की क्षमता है ना, उसको देख करके दूसरे लोग कॉपी करते हैं। तो एक ऐसी बलशाली उत्साहवर्धी लड़की है जिसका नाम मीना के नाम से सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो मीना में जो मीना लड़की सेलेक्ट होगी वो मेन लोग से करेगी और उसके जो सहयोगी होंगे उनका साथ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसे मीना के कौशल में दिखाया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जो लड़की सेलेक्ट की गई है, जैसे मीना है सीता। अब इसमें जो लिखा गया है कुछ बातें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब समझते हैं हमारे अंदर जो करने की इच्छा हो, जैसे पढ़ाई करने की इच्छा हो तो मन लगा के पढ़ाई कर लेंगे, अगर खेलने जाते हैं तो वो भी कला, खेलना भी खराब नहीं है, अच्छी कला है, जो भी काम करिए एक ऐसी ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिसके थ्रू आप सफलता का प्रदर्शन कर सकें, सफलता के मार्ग तक पहुँच सकते। दूसरा लिखा है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति हो जिस काम को ठान ले उसको अपने बल पर पूरा करने की क्षमता रखे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भर। तीसरा लिखा है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल जो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए लेकिन उसको सहने की क्षमता और दृढ़ संकल्प के साथ उसको आगे करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान। जो लड़की मीना के रूप में सेलेक्ट हुई है यानी सीता, जो गर्ल्स की प्रॉब्लम होंगी वो टीचर्स से कंसल्ट करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है टीम के साथ मिलकर कार्य करना, यानी जो आपके सहयोगी सेलेक्ट किए गए